हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जो है ट्यूशन क्लासेस का बिजनेस, जो आप घर में बैठे हुए कर सकते हो। दोस्तों, मैंने ट्यूशन क्लासेस के बिजनेस के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों का बहुत थैंक यू कि उसमें 12 से 13 हज़ार व्यूज़ आए हैं। तो अब जो बिजनेस सिनेरियो है वो बदल गया। बिजनेस सिनेरियो बदला ऐसा है कि अब जो मैं देख रहा हूँ, मैं ट्यूशन टीचर नहीं हूँ बाय प्रोफेशन, मैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को उनके बिजनेस रजिस्टर करवा के देता हूँ। तो मैं बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के ओनर्स से मिलता हूँ, जो देखता हूँ, सीखता हूँ, तो आप लोगों को बताने में मुझे अच्छा लगता है। तो अभी ये जो चल रहा है ना, जो माहौल कोविड का, उसके अंदर ऐसा माहौल चल रहा है कि ऑनलाइन जूम पे जो है वो सब क्लासेस चल रही है। तो ये देख के एक तो बात समझ में आ रही है कि अब लोग कोविड के बाद भी ये थोड़े आलसी हो जाएंगे ट्रैवलिंग में, मतलब स्पेशली बच्चों के मामले में, कि थोड़ी सी क्लासेस के लिए इतना दूर जाओ। अब जैसे मैं भी बीकॉम जब मैंने किया तो अकाउंट्स के लिए मैं जाता था, तो मैं देखता था कि 2 घंटे 3 घंटे की क्लास के लिए लोग 3 घंटे ट्रैवल करके आते थे दूर दूर से। मतलब के 3 घंटे का क्लास है तो 1-1.5 घंटा आने में लगता है, 1-1.5 घंटा जाने में लगता है, 6 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तब मैं ये सोचता था कि यार अगर ये जो सर हमें पढ़ा रहे हैं, रोज़ हमें 3 घंटे के लेक्चर के लिए 3 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो अगर ये हमें ऑनलाइन दे देता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो टाइम पे लोग ऑनलाइन को इतना सपोर्ट नहीं करते थे। लोगों को आज की डेट में क्या चाहिए? आज जो हमारी मेंटालिटी वो कैसी है, देखेंगे जो जाके ले फिर जाके लेंगे। वैसे ही जो सर्विस इंडस्ट्री जो क्लासेस है वो भी जाके बैठेंगे क्लास में तब जाके लेंगे। अब वो प्रोफेसरों को जगह का भाड़ा भरना पड़ता था, एसी का बिल भरना पड़ता था, चौकीदार को देना है, जगह की क्लीनिंग का देना है, फर्नीचर बनाना है, तो उस हिसाब से वो फीस भी ज़्यादा होती थी, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे बिठाने उतनी बड़ी जगह होनी चाहिए। अब ये जो जूम पे हो रही है क्लासेस और ऑनलाइन हो रही है, इसमें रेंट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया, बच्चे खुद के घर पे बैठे और आप क्लासेस उनको ले रहे हो। अब छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक ये क्लासेस ली जाती है। इस बिज़नेस में आना बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एग्जिस्टिंग टीचर्स को हुआ है। अगर आप न्यू काम चालू करना चाहते हो कोचिंग का, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी खुद के लिए, क्योंकि पहले जब बैठ के टीचर के यहाँ पे आके या क्लासेस में आके बच्चे लोग ट्यूशन लेते थे, तो आपका जो मार्केट था वो लोकल मार्केट था, क्योंकि लोग एक हद तक ट्रैवल करके आ सकते, उससे दूर नहीं। अब जब ये डिजिटल हो गया है तो मार्केट पैन इंडिया हो गया, मतलब पूरे इंडिया में। चेन्नई में बैठी हुई टीचर भी मुंबई के बच्चे को पढ़ा सकती है, मुंबई में बैठे हुए एक बच्चा है, एक बच्चा दिल्ली में बैठा हुआ है। तो कॉम्पटिशन भी बढ़ गया है, मार्केट भी बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से कोचिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है। बेस्ट ये अगर आप नवे हो, मतलब आपने पहले कभी ट्यूशन वगैरह नहीं दिया है, तो आप ऑनलाइन डेमो क्लासेस देखो दूसरे टीचर्स का। ये देख के आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो लोग कैसे सिखा रहे उन सब्जेक्ट्स के लिए और वो स्टैंडर्ड्स के लिए देखो जो आप सिखाने में इंटरेस्टेड हो, ताकि आपको पता चलेगा कि अलग अलग टीचर्स का क्या टीचिंग मेथड है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। हमें एग्ज़ाम में बोला जाता है कि आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी में आप कामयाब लोगों को कॉपी करके कामयाब बन सकते हो, वो चीटिंग नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों नहीं करते। कामयाब लोगों का एग्ज़ाम्पल लो और ख़ुद भी कामयाब हो जाओ, तो इस तरीके से आप कोचिंग क्लासेस का बिजनेस कर सकते हो। और अभी एक कंपनी थी जो कोचिंग क्लासेस का बिजनेस करती थी और बहुत पैसे कमाती थी, वो मुंबई में थी। उनका ऐसा था कि
वो लोग बच्चे लोगों को ये बोलते थे कि जो स्पेशली एसएससी आईसीएससी जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं कि हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे 1.5 लाख रुपए लेंगे और आपको सब सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स देंगे। और फिर वो क्या करते थे, टीचर्स को सैलरी पे रखते थे, फिर वो टीचर को बोलते थे कि एक टीचर को कि तुमको इतना पोषण 50 बच्चों को एक साल में सिखाना है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी की टीचर है तो ज्योग्राफी की टीचर को क्या बोला, 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक जो है वो 100 पेज का है, तो बोला तुमको ये 100 पेज सिखाने 10 दिन लगेगा, साल में होते 365 डेज, तो तुमको 36 बच्चे लोगों को सिखाने साल में ज्योग्राफी, तो 36 बच्चों के लिए एक ज्योग्राफी टीचर दे दिया, ठीक है। तो वो ज्योग्राफी टीचर का तो सैलरी फिक्स है और बच्चे लोगों से अच्छी खासी फीस ले रही, 1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो जैसे ही ज्योग्राफी टीचर हो गई जो स्पेशलाइज ज्योग्राफी सिखाती है, फिर हिस्ट्री के लिए अलग, फिर इंग्लिश के लिए अलग, तो ये टीचर्स बच्चों के घर पे भी जाती थी और क्लासेस में भी थी, डिपेंड्स कौन कितनी ज़्यादा फीस देता है उसके हिसाब से। तो इन्होंने काफ़ी पैसे कमाए, मतलब ये एक चैनल बन गए थे बच्चों को टीचर्स से मिलाने के लिए, तो इन्होंने अच्छा पैसा कमाया, बड़े लेवल पे काम किया। तो ये भी कर सकते पर इसको अब ऑनलाइन में करना होगा कि एड पैसे लगाने, वेबसाइट बनानी है और एडवर्टाइजिंग करनी है, बच्चों को लाना है, फिर अच्छे टीचर्स को लाना है और उन दोनों को मिला देना है। तो इस तरीके से किया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन पहले इस बिज़नेस में आप खुद आओ ग्रास रूट लेवल पे, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो खुद बच्चों को सिखाओ, देखो मार्केट कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस है, तब जाके आपको पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूशन क्लासेस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई न्यू बिज़नेस आइडिया आप बनाना चाहते हो, जिस पे मैं रिसर्च करूँ और आपको बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।